नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बजट 2021 में पेंशन धारकों को निर्मला सीतारमण की बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वृद्धा पेंशन यहाँ पे 100 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी और दिव्यांग पेंशन में यहाँ पे 200 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों विधवा पेंशन धारकों को यहाँ पर 250 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो यह जानकारी आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें और उस जानकारी को आप जान सकें। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने यह वीडियो लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया जाएगा। इस बजट से पेंशन धारकों को क्या सुविधा दी जाएगी, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों अगर आप एक पेंशन धारक है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि हम उसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों जो इस वीडियो में, यानी कि जो शुरू में आपको बताया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के जो 28 राज्य हैं और उनमें से जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी पूरी जानकारी बजट के अधीन हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस राज्य को क्या लाभ मिलने वाला है, क्या सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है पूरी जानकारी के साथ जो पेंशन योजना है उसके तहत जो दस्तावेज चाहिए, यानी कि अगर आप एक पेंशन बनवाना चाहते हैं उसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। चाहे वह दोस्तों दिव्यांग पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो या फिर दोस्तों यहाँ पे आपकी दिव्यांग पेंशन क्यों ना हो, सॉरी विधवा पेंशन क्यों ना हो, दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों पेंशनों की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, फिर नंबर दो पर आपको पैन कार्ड होना अनिवार्य है दोस्तों आपके पास। फिर नंबर तीन पर वोटर कार्ड आईडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नंबर चार पे दोस्तों आपका आय जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। उसके उपरांत दोस्तों आपको यहाँ पे मूल निवास, मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, बैंक का खाता और IFSC कोड बैंक का जो होता है दोस्तों वह आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आगे बताया गया कि आपकी वोटर आईडी कार्ड जो चुनाव के वक्त बनाया जाता है वह आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप दिव्यांगता के तहत पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विधवा की पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आपको पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वह आपके पास होना चाहिए, विधवा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि गाँव से सत्यापित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन तीनों पेंशनों के तहत लाभ ले सकते हैं और इन तीनों पेंशनों के तहत जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर आगे बात आती है यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे आगे बताया गया है कि तमाम वह दस्तावेज आपको चाहिए होंगे जो नई पेंशन बनवाने के लिए, नया खाता खुलवाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है और आगे बताया गया है कि विधवा पेंशन योजना 2021 के तहत कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम आप जान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 2021 में जो विधवा पेंशन योजना के तहत बड़े स्तर पर कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र। दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र की जानकारी यहाँ पे दी गई है, आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप एक पेंशन धारक है तो जीवन प्रमाण पत्र बनवाना अति अनिवार्य है। दोस्तों बजट 2021 से विधवा या फिर आप कह लीजिए कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन में बड़ा बदलाव किया जाएगा दोस्तों, और उससे अलग अलग राज्यों में जो बढ़ोतरी की जाएगी वह आप यहां पे देख सकते हैं। 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की बढ़ोतरी यहां पे की जा सकती है दोस्तों। यह दोस्तों आप देख सकते हैं विधवा पेंशन की हमने आपको जानकारी दी है। फिर आगे आती है दोस्तों आपके सामने दिव्यांग पेंशन। तो दोस्तों हम दिव्यांग पेंशन के तहत देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इसमें कितनी बढ़ोतरी की जाएगी।
दोस्तों, दिव्यांग पेंशन योजना 2021 के तहत पेंशन योजना में चाहे वह विधवा पेंशन योजना या फिर दिव्यांग पेंशन योजना ही क्यों ना हो, इसमें आपको डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा और दिव्यांग पेंशन के तहत आपको जो पेंशन 2020 में दी जाती थी वही राशि आपको 2021 में भी दी जाएगी। इसमें दोस्तों कोई बदलाव नहीं किया गया है, दिव्यांग पेंशन के तहत आपको वही मिलेगा जो 2020 में मिलता था, वही राशि आपको दी जाएगी दोस्तों। फिर दोस्तों बात आती है वृद्धावस्था पेंशन की, इसमें कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दिव्यांग पेंशन योजना या फिर विधवा पेंशन योजना, दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे राज्यों के निवासी जो हैं दोस्तों, उन्हें भी अपना डिजिटल प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है, चाहे आपकी कोई सी भी तीनों में से कोई सी भी पेंशन है, चाहे वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है, आपको जीवन प्रमाण पत्र आपका बनवाना अति अनिवार्य है और जमा करना अति अनिवार्य है, जब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जो केंद्र के कर्मचारी हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे केंद्र कर्मचारी और अन्य पेंशन धारक की उन्हें 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है, चाहे उसमें कर्मचारी हो या फिर दिव्यांग पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के तहत यहाँ पर 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। या फिर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है पूरी जानकारी के साथ कुछ परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर 4% भी नहीं बढ़ाया गया तो आपको यहाँ पे कुछ अलग से कम परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों बढ़ाया ज़रूर जाएगा। दोस्तों यदि हमारी आज की आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।